जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए कवर करने वाले हैं जम्मू के टॉप ब्रेकफास्ट पॉइंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह परांठा लग रहा है, गर्मा गर्म फ्रेश। और ग्लोरिया फास्ट फूड गांधीनगर, ग्लोरिया फास्ट फूड गांधीनगर। इसका क्या प्राइस रहता है परांठे का? प्राइस आलू प्याज वाला 40 का होता है। ओके, आलू प्याज पनीर वाला 50 का होता है। 50 का होता है। और साइज भी चेक कर सकते हो यहाँ परांठे का। यहाँ पे और क्या क्या आइटम्स मिल जाएंगे? राजमा चावल भी मिलते हैं। अच्छा, परांठा भी मिलता है, कलाड़ी कुलचा, मोमोज, सब आइटम में मिल जाते हैं। मशरूम पिज्जा सब मिलता है। टाइमिंग क्या रहती है, कितने बजे स्टार्ट होता है? 7:30 से लेकर 10 बजे तक परांठा होता है, 4 बजे तक परांठा होता है, 4 बजे तक यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख सकते हो मेकिंग और सर्विंग भी आपको दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ पे की जाती है। ये देखिए और साइज चेक करो परांठे का, यहाँ पे काफी बढ़िया साइज में आपको मिल रहा है। 40 रुपए में आलू प्याज वाला दे रहे हैं और 50 रुपए में आलू प्याज और पनीर वाला। तो हम भी एक परांठा लगवाते हैं यहाँ पे, ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं फिर कि टेस्ट कैसा, और सर्विंग भी आपको दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ पे रहती है। और ये देखो भाई साहब, बढ़िया सा परांठा यहाँ पे गर्मा गर्म फ्रेश तैयार हो रहा है। अच्छा, इसको सर्व किसके साथ किया जाता है? राजमा आ गया आपके साथ, राजमा आ गए जी, बढ़िया से राजमा आ गए। ये आ गए दाल। अच्छा, दाल भी है यहाँ पे देख सकते हो। ये आ गई सब्जी, भाई सब्जी आ गई, राजमा आ गए, दाल आ गए, तीन सब्जियां। ये आ गया अम्बल, ये अपना जम्मू का फेमस डोगरा अम्बल। अम्बल भी आपको मिल जाएगा परांठे के साथ। यहाँ आ गया हमारा परांठा, परांठा भी आ गया। तो जब बाइट लेते हैं परांठे की, पनीर वाले परांठे की, और देखते हैं क्या ये वर्थ है। और साइज तो काफी बढ़िया, मतलब एक परांठे से आप फुल हो जाओगे यहाँ पे, 50 रुपए में आराम से पेट भर सकते हो। ये देखिए राजमा के साथ बाइट लेते हैं परांठे की, बढ़िया सी बाइट आ गई है, टेस्ट करते हैं भाई। वाकई में लाजवाब है, मजा आ गया इसको ट्राई करके। आप भी जब विजिट करोगे और कुछ ब्रेकफास्ट में ट्राई करना चाहते हो, इस परांठे को जरूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करना। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। इसमें चले रहते हैं और साथ में राजू। लोकेशन की बात करें तो ये है न्यू अमृतसरी कुलचा हट, जो गांधीनगर अप्सरा रोड की बैक साइड वाली रोड आती है, जहाँ पे आप देख सकते हो डोगरा चाट भी है, उसी लेन में थोड़ी आगे हो गया आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। तो सेकंड ब्रेकफास्ट पॉइंट में हमने सोचा क्यों ना आपके लिए कुलचा कवर किया जाए। यहाँ का ये कुलचा काफी ज्यादा फेमस है, बिल्कुल अमृतसरी स्टाइल में बनाया जाता है। और ये देख सकते हो कितनी ज्यादा क्रिस्पी है यहाँ पे, ये क्रंच देख सकते हो इसका लेयरिंग। और साथ में जो सर्व करते हैं ना यहाँ पे, इसका प्राइस ऐसे रहता है 50 रुपीज़, अगर पनीर का पीस लोगे तो इसका प्राइस है 70 रुपीज़। और ये देखिए साथ में सर्व किए गए हैं राजमा, बढ़िया से गाढ़े से, साथ में इनके ये छोले, और ये पनीर का पीस भी चेक करो, और साथ में रहती है इनकी ये चटनी जो है प्याज इमली वाली, और बटर लगा के ये प्रॉपर कुलचा यहाँ पे सर्व करते हैं। ये देखो अमूल का बटर भी इसमें लगाया हुआ। चलिए एक बाइट लेते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या ये वर्थ है कि नहीं, इसका भी हमने काफ़ी नाम सुना था। और ये हमारी बढ़िया सी बाइट यहाँ पे रेडी हो रही है, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा। छोले भी ट्राई करते हैं, छोले सिंपल और बनाए गए हैं, साथ में ये पनीर का पीस है, ये भी टेस्ट करेंगे हम। तो ओवरऑल काफी बढ़िया टेस्ट है यार इसका। तो आपकी अगर क्रेविंग हो रही है अमृतसरी कुलचा खाने के लिए मॉर्निंग में, तो यहाँ पे डेफिनेटली विजिट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो इनका ये कुलचा। तो आप भी ट्राई करना, अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करना। और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी लोकेशन। बच्चे हमारी जो थर्ड लोकेशन है यहाँ पहुंच चुके हैं, ये है मदन स्वीट्स जो पड़ती है नानक नगर जम्मू में। तो हम आ चुके हैं अपने थर्ड ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, जहाँ पे आपके लिए हम कवर करने वाले हैं यहाँ की फेमस पूड़ी और चने। तो चलिए अब ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ प्लेट लग चुकी है पूड़ी चने की, जिसका प्राइस है यहाँ पे 70 रुपीज़। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या क्या सर्व किया गया है। इनका रहते हैं ये चने, साथ में रहती है आलू की सब्जी, और ये सर्व करते हैं ओरिया जिसको बोलते हैं, राई वाले आलू, और साथ में प्याज की चटनी। और दो पूड़ी हैं यहाँ पे सर्व की हुई, ये उनका साइज यहाँ पे रहता है। चलिए बाइट लेते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं, एक बढ़िया सी बाइट बना लेते हैं पूड़ी की, पूड़ी चने की। ये लिए पूड़ी आ चुकी है, साथ में लेते हैं चने आलू। और भाई साहब यहाँ पे रश इतना था अभी,
कि हमने जैसे जैसे पूड़ी चने अपने लंगर, लिए, लंगर में लाइने लगती ना, ऐसे प्लेटें ले लेके आना पड़ रहा था पूड़ियाँ लेने के लिए। चलिए बाइट रेडी हो चुकी है, टेस्ट करके बताते हैं। चने भी ट्राई करते हैं। बेसिकली इनका जो कॉम्बो है ना, साथ में आलू की सब्जी, चने, राई वाले आलू, इन सबको कंबाइन करके जब पूड़ी के साथ हम एक बाइट बनाते हैं ना, उसका टेस्ट काफ़ी फ्लेवरफुल और बढ़िया आता है, इसलिए इतना रश था यहाँ पे। डेफिनेटली इसे भी ट्राई कर सकते हो अगर सुबह सुबह पूड़ी खाने की क्रेविंग हो रही है, यहाँ पे विजिट करना। यहाँ टाइमिंग मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे वैसे जल्दी आ जाना, 7:30-8 बजे पूड़ी स्टार्ट हो जाती है, 1 बजे तक यहाँ पे ख़त्म भी हो जाती है। इसके बाद आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टूर के साथ, जम्मू के फूड टूर के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहना शिवा सोल ब्लॉग्स को।